हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 के ऊपर पर ने टॉप 20 प्रश्न जो किसके आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा हैं, एक न एक प्रश्न जरूर उसमें से आएगा, उसको आप जरूर याद कर लें, वो वीडियो जरूर देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं। पहला है, भारत के 2019 गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? यह किया गया है यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका ने इसको स्वीकार अभी नहीं किया है। वजह यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और जिसकी वजह से भारत के ऊपर भी दबाव डाला है कि वह ईरान से तेल के आयात को कम कर दे। अभी हाल ही में अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगाया है जिसके लिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत भी दर्ज करा चुका है। तो इसका आंसर होगा ए, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने IDBI में 51% हिस्सेदारी हासिल की है? यह की है जीवन बीमा निगम ने। इसके लिए उसने 51% शेयर्स को खरीदे हैं, हासिल किए हैं, इसकी वजह से अब इसकी हिस्सेदारी IDBI में 51% हो जाएगी, जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2018 भारत ओमान संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक कहाँ पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हुई है मस्कट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्कट में हुई है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच चुना गया है? अंतरिम कोच चुना गया है रमेश पोवार को। वह यह है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सभी ने एक मत से तुषार अरोठे जो कि पहले कोच थे उनको हटाए जाने की मांग की थी, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो इसीलिए उनके हटने के बाद से उनकी जगह पर रमेश पोवार को अंतरिम कोच चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने विरासत मंडल का गठन किया है? उड़ीसा ने विरासत मंडल का गठन किया है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न है, बन सागर नहर परियोजना किस प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इसका शुभारम्भ किया है, यह मिर्जापुर से शुभारंभ किया है और इसको लाभान्वित होने वाले कौन से 3 राज्य हैं? यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बी ऑप्शन होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और ये 171 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ बता दो कि प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने नाबार्ड 2018 का पुरस्कार किस गैर वित्तीय कंपनी ने जीता है? NBFC जिसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो ये जीता है रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने, नाबार्ड 2018 का पुरस्कार जीता है इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। पहली बार ये मनाया गया था 18 जुलाई 2010 में मनाया गया था। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि यह इस बार इनकी 100वीं जयंती है। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में सेना का MiG-21 विमान निम्नलिखित में से किस जगह पर क्रैश हुआ है? यह हुआ है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ है, पंजाब से पठानकोट जाते समय। MiG-21 सबसे ज़्यादा क्रैश होने वाला विमान है भारतीय वायुसेना का। MiG-21 रूस से खरीदा गया था यह, और अब तक जितने भी MiG-21 खरीदे गए यानी कि 872 विमानों में से आधों का क्रैश हो चुका है, लगभग 172 पायलट अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं और इसको उड़ता ताबूत भी कहते हैं। इससे पहले MiG-21 का 2016 सितंबर में ही भी क्रैश हुआ था जिसमें पायलट ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन इस बार पायलट अपनी जान नहीं बचा पाए थे, तो ये बहुत दुखद है ये। तो MiG-21 ये कांगड़ा में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।